बेटा, कभी खुद से भी तो अपने बालों का ख्याल रखा कर। क्यों माँ, तुम कहीं जा रही हो क्या? मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें भी तो अपने बालों की केयर करनी चाहिए ना। अब मैं तुम्हारे बालों में तेल लगाऊंगी और उसके बाद मैं ही तुम्हारे बालों में शैम्पू करूंगी। ये कोई बात थोड़ी होती है, कभी खुद से भी करो। माँ, अब आपको तो पता है ना कि मेरे बाल इतने लंबे हैं, तो मैं अकेले बालों को नहीं संभाल पाती। तभी तो कह रही हूँ बेटा, कभी कभी खुद से भी कुछ करना चाहिए। पता नहीं कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम अकेले कैसे करोगी? सारा काम तो तुम्हें ही करना है ना, इसलिए सीखना तो जरूरी है। मैं तुम्हारी मदद तो करूंगी, लेकिन तुम्हें ही करना पड़ेगा सब कुछ। ओहो माँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरी कल ही शादी हो, जब होगी तब देख लेंगे। हाँ हाँ, अभी माँ का घर है तो कर ले मनमानी। गोरी के उसके कद से भी ज्यादा लंबे बाल होते हैं, क्योंकि कभी भी उसने अपने बालों को नहीं कटवाया। उसकी माँ भी उसके बालों की खूब केयर किया करती, ताकि उसकी बेटी के बाल हमेशा ही घने और चमकदार बने रहे। लेकिन बस एक ही दिक्कत थी कि गौरी उन बालों को अकेले नहीं संभाल सकती थी। वहीं गौरी कॉलेज जाती तो सभी उसकी बालों की खूब तारीफ करते। गौरी, कल कॉलेज में ना ब्यूटी कॉम्पिटिशन है, तो तुझे भी पार्टिसिपेट करना होगा। यार, मुझे इस तरह की कॉम्पिटिशन में जीतने का ना कोई शौक नहीं है। तुझे तो पता है ना कि मुझे सिंपल रहना पसंद है। मेरी प्यारी सहेली, तेरे तो लंबे बाल है, तू तो अपने लंबे बालों की वजह से जीत भी जाएगी। तुझे तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुझे तो पता है ना जिया कि ये लंबे बाल मुझसे अकेले नहीं संभाले जाते, इसके लिए तो मुझे मेरी माँ की ही मदद लगती है। तू टेंशन किस बात की ले रही है यार, मैं हूँ ना तेरे साथ। मैं तेरा एक बढ़िया सा हेयर स्टाइल बना दूंगी, ताकि तुझे तेरे बाल कैरी करने में ज्यादा परेशानी ना हो और तू बहुत सुंदर भी लगे। अच्छा चल ठीक है, फिर तू इतना कह रही है तो मैं कर लेती हूँ। चल ठीक है, फिर कल मिलते हैं, टाइम पे आ जाना, क्योंकि तेरे लंबे बाल है ना, उनको सेट करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है कल मिलते हैं। अगले दिन गौरी कॉलेज पहुंच जाती है, जहां जिया पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। अब जिया गौरी के लंबे बालों को खोलती है और कंघी करती है, तब वो उसके बालों का बहुत ही सुंदर सा हेयर स्टाइल बना देती है और लगा देती है उसमें गुलाब के ताजा ताजा फूल, जिससे गौरी के लंबे बालों की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जिया गौरी को साड़ी भी पहना देती है। गौरी यार, कसम से तू एकदम जबरदस्त लग रही है, अगर मैं लड़का होती ना तो तुझे कसम से पटाई लेती। चल तू भी ना, कैसी बातें करती है। अच्छा चल अब ज्यादा बात मत कर, सभी जज आ चुके स्टेज पे और अब तेरी बारी भी आ चुकी है अपने लंबे और घने बालों के साथ पोज मारने की। गौरी स्टेज पर जाती है और सभी की नजरें सुंदर गौरी पर ही होती हैं। जज भी उसके लंबे बालों को देखकर हैरान हो जाते हैं। गौरी अपने बालों से वहां सभी को फेल कर देती है। सभी को गौरी और उसके लंबे बाल बहुत पसंद आते हैं और बहुत सारी लड़कियों को हराकर गौरी ही बन जाती है उस कंपटीशन की विनर, जिसकी खुशी वो अपनी दोस्त जिया के साथ मनाती है। जिया ये देख, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये सब तो तेरे लंबे बालों का कमाल है। तू नहीं होती तो मैं अकेले इन्हें कैसे संभाल पाती। चल अब ज्यादा इमोशनल मत कर मुझे, घर जा और घर जाके जीत की खुशी मना। अब दिन यूं ही बीतते जाते हैं, गौरी के लिए शादी के रिश्ते भी आने लगते हैं। गीता गौरी से शादी के बारे में बात करती है और गौरी शादी के लिए हाँ करती है। गीता को अपनी बेटी गौरी के लिए दीपक नाम का लड़का पसंद आता है, जो गौरी को देखने के लिए अपनी माँ के साथ उसके घर आया होता है। उन्हें बताती है कि गौरी के बाल लंबे हैं तो वो उन्हें अकेले नहीं संभाल सकती। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, अरे चिंता चिता समान होती है, और आप अपनी बेटी की चिंता आप छोड़ दो। अगर मेरी शादी आपकी बेटी से हो गई ना, तो देखिएगा आपकी बेटी का उसके बालों का मैं तो आपसे भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखूंगा। हाँ हाँ बहन, हमें तो वैसे भी गौरी बहुत पसंद आई है और इसके बाल भी लंबे हैं, और लंबे बाल तो लड़कियों की खूबसूरती होती है। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है,
अब शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। गौरी और दीपक की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। गीता गौरी की शादी से पहले ही अच्छे से उसके बालों को धोती है। शादी में जिया ही उसके बालों का अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाती है, जिससे कि गौरी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। दीपक और गौरी की शादी धूमधाम से हो जाती है, जिसके बाद आती है गौरी अपने ससुराल। दीपक ये देखो ना, मेरे बाल जूड़े से खुल नहीं रहे हैं, तुम मेरी मदद करोगे क्या? मैं ऐसे तो नहीं सो पाऊंगी। हाँ गौरी, अभी मदद करता हूँ ना। अरे यार, तुम्हारे बाल तो सच में बहुत लंबे हैं। अरे कितने देर से कोशिश कर रहा हूँ, संभल ही नहीं रहे। तुम इतने समय से कैसे संभालती थी इसे? अगले दिन सुबह उठकर ही गौरी अपने बालों को सेट करने में लग जाती है। वहाँ निर्मल बेटे दीपक से पूछती है, बेटा बहू कहाँ रह गई? अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। माँ वो अपने बालों को सेट कर रही है, उसके बाल इतने लंबे हैं, समय तो लगेगा ना। बहू जल्दी आओ, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है, इतना टाइम लग क्यों रहा है तुम्हें? अरे यार मैं क्या करूं, ये बाल तो मुझसे संभल ही नहीं रहे हैं। एक काम करती हूँ, ऐसे ही जूड़ा बना लेती हूँ, बाद में आकर ठीक कर लूंगी। बहन हमने तो सुना था तेरी बहू के बाल बहुत लंबे हैं, क्या सच है ये? हाँ बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसके इतने लंबे बाल है कि बेचारी सुबह से इन्हें संभालने में लगी हुई है, घंटों तक ही अपने बाल संभालने में लग जाती है, लेकिन इसके बाल इसके काबू में ही नहीं आते। अगर आज की बात है ना तो चल जाएगा, लेकिन रोज रोज हुआ तो ये कैसे चलेगा? गौरी की मुंह दिखाई की रस्म पूरी होती है, सभी औरतें उसके बालों की खूब तारीफ करती हैं, जिसके बाद थक हार कर अब गौरी अपने कमरे में जाती है और लेट जाती है अपने बालों को फैलाकर। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब बारी आती है गौरी के बाल धोने की। दीपक क्या तुम मेरे बाल धोने में मेरी मदद कर दोगे? अब वो मैं अकेले इतने लंबे बाल संभाल नहीं सकती हूँ ना, इसीलिए। गौरी यार एक काम करो, तुम माँ से मत ले लो, अभी मुझे कहीं जाना है। माँ जी मेरे बाल धोने में आप मेरी मदद कर दोगी क्या? मैं अकेले बाल नहीं धो पाऊंगी। बाल धोने में मदद कर दूं? अरे तू क्या कोई बच्ची है? बहू है मेरी बहू। बहू अब जब इतने लंबे बाल तुझसे संभल नहीं रहे तो इन्हें कटवा क्यों नहीं लेती है तू? नहीं नहीं माँ जी, मुझे मेरे बालों से बहुत प्यार है, मैं इन्हें नहीं कटवा सकती। अब देख मेरे तो घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, इसलिए मैं तो तेरी मदद नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं फिर इन्हें अकेले ही करने की कोशिश करती हूँ। अरे यार माँ ने तो सही कहा था कि मुझे ये सब करना आना चाहिए, लेकिन मैंने ही कभी उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अब मुझे पता लग रहा है कि वो क्यों कहा करती थी कि मुझे अकेले ये सब भी करना आना चाहिए। गौरी बाथरूम में जाती है और अपने बालों को धोने की कोशिश करती है। वहाँ दूसरी तरफ निर्मल इंतजार कर रही होती है कि बहू अपने बाल धोकर आएगी तो उसे चाय बनाकर पिला देगी, लेकिन गौरी के बाल तो थे लंबे। अब गौरी को लग गई बहुत ही ज्यादा देर। गौरी को कई एक घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, आखिर कहाँ रह गई वो? बहू आज बाहर आओगी या नहीं, कितना वक्त हो गया है, अरे घर का सारा काम यूं ही पड़ा हुआ है। माँ जी वो बाल धोने में टाइम लग गया। टाइम लगा नहीं है, टाइम और लगेगा, देख तेरे बालों में कितना शैम्पू लगा हुआ है अभी, जा जाकर पहले इसे अच्छे से धोकर आ। अरे यार कब से कोशिश कर रही हूँ, कहीं ना कहीं से रह ही जाता है। माँ जी आप चलिए मैं आती हूँ। गौरी तब तो जैसे तैसे बाल धो लेती है, लेकिन अब उसके बालों की केयर बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। वो बालों को ना तो रोज कंघी कर पाती ना ही अच्छे से उन्हें धो पाती। इसके सॉल्यूशन के लिए अब गौरी अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं ना अपने बालों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, तो मैंने सोचा है ना कि जिस दिन मुझे बाल शैम्पू करने होंगे
तब मैं अपनी माँ के घर जाऊँ, वहाँ माँ मेरी मदद कर देगी। अरे एक तो तेरे लंबे बालों ने वैसे ही परेशान कर रखा है, अब तू हर दिन अपने मायके जाएगी तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? अरे माँ मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, उनका काम है कहना। कुत्ते गली में भौंकते हैं और मोहल्ले वाले दूसरों के घर में जाके भौंक के आते हैं, इसलिए कह रहा हूँ शांत रहो, उनकी बातें मत सोचो। अरे बहू को देखो, ये परेशान है आपकी और आपको पड़ोसन की परी है, मोहल्ले वालों की परी है। बेटा मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो बस कह रही थी कि। अरे माँ बस इस बात को यही खत्म करते हैं, अभी ना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने बालों की केयर करे। गौरी तुम एक काम करो, घर के काम खत्म करो और मायके जाओ, और हाँ शाम तक वापस आ जाना। थैंक यू दीपक। अब इसी तरह से हर कुछ दिन बाद गौरी अपने माँ के घर जाती और उसकी माँ उसके बालों की केयर करती, लेकिन ये सब भी आखिर कितने ही दिलचस्प पाता। गौरी अब कभी जा पाती तो कभी नहीं जा पाती, जिससे कि उसके बाल अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे। बाल बहुत झड़ने भी लग गए, जिससे कि घर में हर कहीं उसके लंबे बाल ही उठते रहते। जहाँ देखो वहाँ घर में बस बाल ही बाल है, बहू अगर बाल नहीं संभाले जा रहे तो इन्हें कटवा लो ना। माँ जी मेरे बालों की ठीक से केयर ना हो पाने की वजह से मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। अरे माँ मैं क्या करूँ आपका, अब हमेशा अजीब बात करने लग जाती हो। अरे बचपन से लेकर आज तक उसने बाल नहीं कटवाए, उसको लंबे बाल पसंद है तो रहने दो ना, अब क्यों कटवाना चाहती हो? और गौरी मुझे माफ करना, मेरे कारण तुम्हारे बालों की ऐसी हालत हो गई, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन मैं भी काम में बिजी होने के कारण तुम पे ध्यान ही नहीं दे पाया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है दीपक। गौरी तुम एक काम करो, डॉक्टर के पास चलो मेरे साथ, वहाँ जाकर तुम्हारे बालों का इलाज करवाते हैं। दीपक गौरी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और गौरी के बालों के लिए तेल और शैम्पू लेकर आता है, जिसके बाद अब दीपक खुद अपने हाथों से अपनी पत्नी के बालों में तेल लगाता और उसे शैम्पू करने में मदद करता। फिर कुछ वक्त बाद, अरे वाह तुम्हारे बाल तो पहले जैसे हो रहे हैं। हाँ दीपक बाल अब झड़ना भी कम हो गए हैं और पहले की तरह चमकदार हो गए हैं, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। अरे ये सब मेरे कारण नहीं हुआ है, ये सब तुम्हारी मेहनत है। इसके बालों की केयर तो ऐसे कर रहा है जैसे इससे तुझे पैसे मिलते हों। माँ आपको मैं जो बताने वाला हूँ ना वो आप सुनोगी ना तो हैरान हो जाओगी। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे हैरानी में डाल देगी? माँ ये लीजिए आपकी बहू की कमाई। क्या हुआ चौंक गई आप? आप सोच रही होगी आपकी बहू तो जॉब करती नहीं है, ये कमाई इसके बालों की है। वो बात ये है ना, शादी से पहले इसका एक चैनल था जिसमें ये बालों की टिप दिया करती थी और शादी के बाद भी दिया करती थी, लेकिन बात ये हो गई ना कि शादी के बाद इसके जब बाल टूटने लगे तो ये वीडियो डाल नहीं पाई, जिसके कारण इसके वीडियोस बहुत कम लोग देखने लगे, और जैसे इसने बाल की केयर की और मैंने इसके बालों की केयर की तो इसने वीडियो बना के डाल दी और वही पब्लिक में इतना क्रेज हो गया कि इसका चैनल सुपर डुपर हिट हो गया है, और अब उसी की कमाई है ये, और आगे भी ऐसी बहुत सारी कमाई आएगी। माँ क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? मतलब मैं बेवजह ही गौरी को हमेशा रोकती टोकती रही, लेकिन गौरी ने तो अपने लंबे बालों से ही आगे बढ़ने का रास्ता निकाल लिया है। हाँ माँ जी वैसे तो ये आप दोनों की वजह से हो पाया है, मेरे बाल खराब नहीं होते तो दीपक कभी केयर नहीं करते, और ऐसा नहीं होता तो मेरी वीडियोस पर व्यूज भी नहीं आते। इसके बाद फिर कभी भी निर्मल ने गौरी को उसके लंबे बालों के लिए नहीं टोका, और दीपक ने हमेशा ही साथ मिलकर गौरी के लंबे बालों की केयर करने में उसकी मदद की।